नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान समाधान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए साल 2021 किस तरह का संकेत कर रहा है। नौकरी और व्यापार के मामले में तुला राशि के जातकों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी और तुला राशि के जातकों के लिए साल 2021 क्या खास लाने वाला है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों व्यापार की, करियर की। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस वर्ष के आरंभ से ही आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव के स्वरूप दोस्तों इस वर्ष के आरंभ से ही तुला राशि के जातकों को सुखद परिणाम दिलाने वाला ये साल साबित होगा, सिद्ध होगा। विशेष करके ये समय व्यापारी वर्ग के लिए सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि इस वर्ष राशि से पराक्रम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको साहसी तो बनाएगा, किंतु अतिचारी होकर गुरु के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही आपको मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक आपको अत्यधिक मेहनत भी करवाएगा और अशांति का आपको सामना भी करना पड़ेगा। इन सब के बावजूद दोस्तों गुरु का गोचर आपको मकान वाहन के क्रय का योग भी बनाता दिखाई देगा। यदि आप दोस्तों कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सम्मान की रखवाली स्वयं करनी होगी और इस वर्ष घर में चोरी होने से भी आपको सावधान रहना होगा। इस वर्ष इस बात का खास ध्यान के तुला राशि के जातक साल 2021 में। बात करेंगे स्वास्थ्य की। दोस्तों, आपकी राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह शनि भी इस वर्ष आपके घर में चतुर्थ भाव में, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जिसके फल स्वरूप आपको माता पिता के स्वास्थ्य की कुछ चिंता तो होगी, किंतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी और शनि के प्रभाव से आप हर कार्य में सफल होंगे। वहीं राजनीति और राजनेताओं से गहरे संबंध रहेंगे, इसीलिए सरकार से जुड़े हुए कार्यों का निपटारा करना इस वर्ष आपके लिए सबसे सही समय रहेगा। प्रतियोगिताओं में इस वर्ष सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स यदि नौकरी हेतु कहीं आवेदन करेंगे या कोई इंटरव्यू देंगे तो सफलता की संभावना इस वर्ष सर्वाधिक रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। बात करेंगे दोस्तों यात्रा की, तो इस वर्ष यात्रा देशाटन का पूर्ण आनंद मिलेगा तुला राशि के जातकों को। इसी पर आपका अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। यदि विदेशी नागरिकता के लिए वीजा का आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस दृष्टि से इस वर्ष आपको अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सितंबर माह से राहु और केतु का गोचर परिवर्तन कुछ कठिन चुनौतियां आपके सामने पेश कर सकता है, तो इनसे आपको बचकर रहना होगा और सभी कार्य सोच समझकर करने होंगे, नहीं तो षड्यंत्र का शिकार होने और कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचकर रहना होगा इस वर्ष, ध्यान रखें दोस्तों। वही बात करें यात्राओं की, तो यात्रा द्वारा किए गए सभी काम आपके संपन्न होंगे। अगर आप अपने काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करें इस वर्ष तो आपको सफलता प्राप्त होगी और धन आगमन के भी इस वर्ष प्रबल योग बनेंगे विदेशी संपर्कों के द्वारा तुला राशि वालों। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।